फायदा तो अपनी सरकार से लड़िएगा ना। आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। जांच तो करेंगे, जहाँ गलत होगा तो ईडी जांच करेगा ही। सारा चीज का शब्द में यहाँ वो मेरी जमीन, सारा सब जमीन बिक रहा है। झारखंड में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लगातार जेएमएम विधायक लोबिन हेमरम लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसी दौरान राजधानी रांची में उन्होंने महाजुटान दूसरी बार बुलाया और सीधे संदेश सरकार तक दिया है कि सरकार अगर जमीन की रक्षा नहीं करती है तो हम ऐसे ही लोगों को जागृत करते रहेंगे और लोग भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि झारखंड में जो जंगल है, जमीन है, उसकी रक्षा हो सके। आज जमीन लूटे जा रहे हैं, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा अगर मुखर हैं तो वो लोबिन हेमरम है। उन्होंने विरसा के वंशज को भी इस महाजुटान में बुलाया था। आइए, क्या कुछ कहा है लोबिन हेमरम और विरसा के वंशज ने, सुनते हैं। अभी लोग आ रहे हैं और हर हाल में हमको जमीन बचाना है और इसके सिवा यहाँ के झारखंडियों का, यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ के लोगों को हम संदेश देंगे, यहाँ के लोगों को जगाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का। अफसरों को दलाल कहा गया मंच से, झारखंड के अफसरों को सीओ वीडियो तो है ही। सीओ लोग क्या कर रहा है? हाँ, अभी इतना इतना जमीन जो ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, कहाँ है? जांच कर रही है, जांच तो करेंगे, जहाँ गलत होगा तो ईडी जांच करेगा ही। सेना के भी जमीन बिक गई, सारा चीज का शब्द में यहाँ वो मेरी जमीन, सारा सब जमीन बिक रहा है। कैसे जमीन वापस ले गए दादा? अरे लड़ाई कर लेंगे यार, लड़ाई लड़ेंगे, रणनीति तय करेगा ना। अभी आप सारा चीज बता देंगे तो अपनी सरकार से लड़िएगा ना। आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। मैं चुप करके ले आया हूँ। मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, भगवान बिरसा मुंडा के पोता हैं और ग्राम उलियातू अड़की थाना खूंटी जिला से आए हैं। यहाँ आए हैं कि हम लोगों का जमीन का समस्या है, जमीन का समस्या का समाधान के लिए बात करने के लिए आए हैं। हम लोगों का ग्राम उलियातू में भगवान बिरसा मुंडा का वंशज का जो जमीन है वो खूंटी के डीसी अपना मनमानी तरीका से खेल स्टेडियम बना लिया है। हम लोगों ने उसको मना किए थे कि इसमें हम लोगों को कोई पूछताछ नहीं हुआ है, बिना पूछताछ के ही हम लोगों से बिना राय सलामत लिए ही वो स्टेडियम बना दिया गया। और जिस समय बना रहा था उस समय हम लोग दरखास्त लिख के दिए थे डीसी को, सीओ को भी दिए थे कि इसे स्टेडियम बनाने के लिए बातचीत होना चाहिए। बातचीत करके हम लोग उसके लिए देंगे या नहीं देंगे इसका राय सलामत तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन दरखास्त लिखने के बावजूद भी वो स्टेडियम को रोका नहीं और उसको ज़बरदस्ती बना लिया और हम लोगों को उस स्टेडियम का कोई मुआवजा भी नहीं मिला और किसी तरह का बातचीत भी नहीं किया गया, राय सलामत भी नहीं लिया गया, ऐसे ही बिना मालिक का जैसा जमीन ले लिया गया। वही जमीन का संबंध में यहाँ बात रखने के लिए आए हैं। क्या मुख्यमंत्री आप लोग गए? मुख्यमंत्री से तो नहीं मिले इस संबंध में, लेकिन दरखास्त दिए थे, दरखास्त का कोई समाधान नहीं हुआ है। लेकिन जब माल्यार्पण करने के लिए वहाँ आते हैं बिरसा मुंडा के जन्म, हाँ, उस समय जमीन का बातचीत नहीं होता है, क्या कि वहाँ तो उतना बातचीत करने का मौका समय नहीं मिल पाता है, इसलिए जमीन के बारे में तो नहीं। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं, अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती।